हाय गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ससुराल की रसोई जी। हाँ, तो आज है मेरा फर्स्ट डे ऑफ रसोई, मतलब फर्स्ट डे ऑफ रसोई नहीं, क्या बोलते हैं, पहली रसोई। तो आज मुझे हलवा बनाने को बोला था, जो कि पूरी तैयारी मुझे जो मेरी सासू मॉम है उन्होंने करके दी थी, मैंने नहीं किया था पूरी तैयारी कि कितना क्वांटिटी क्या होना है। उन्होंने मुझे चीज़ें दे दी थी, बट मैंने एज़ जैसे उन्होंने गाइड किया मैंने वैसे वैसा करता गया और हलवा बनाया था। उसके बाद लाइट चली गई थी, इसलिए हमने फ्लैश लाइट की फ्लैश लाइट की मदद से हलवा बनाया। आपको ये स्वास्तिक दिख रहा है, सॉरी, बट ये मुझसे ना बन नहीं रहा था। आपको पता है नेल एक्सटेंशन कितनी घटिया चीज़ होती है, उससे क्या हो जाता है, पूरे नेल्स में भर गया था स्वास्तिक, इतने मुश्किल से बनाया था मैंने। बट एनीवेज, काम दिल से हो रहा था लेकिन, और हलवा जो था वो बन के रेडी हो गया था। और आज मेरे भाई बहन भी मुझे लेने आने वाले थे, क्योंकि ये सेकेंड डे है। इसी वीडियो में मैंने ज्वाइन कर दिया, क्योंकि यार मेरे पास ज़्यादा क्लिप नहीं होती तो वीडियो बहुत छोटी बनती हैं। देखो यही हेल्प कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इसी ये नेक्स्ट डे का है, ओके, कन्फ्यूज़ मत होना। ग्रीन सूट नेक्स्ट डे पहना था, रेड सूट फर्स्ट डे का, अलग अलग दिन का है शॉर्ट। आज बहुत और भी भाई बहन आ रहे हैं लेने के लिए, कल तो सिर्फ 4 लोग आए थे और आज शायद 6 से 7 लोग आएंगे। ये सब लोग आएंगे एंड इनके साथ मैं निकल जाऊँगी अपने घर और रुक के आऊँगी 4 दिन। ट्राई करूँगी वहाँ मैं व्लॉग कर पाऊँ, लेकिन आपको पता है यार व्लॉग क्या व्लॉग करूँगी, कोशिश कर लूँगी। बच्चा भी देख रहा था कि मैं क्या बना रही हूँ, क्या मिलने वाला है, और मैं भी बहुत नर्वस हो रही थी, जैसे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जैसे तैसे हमने बनाया और काफ़ी यम्मी बना था। लास्ट में देख लेना हलवे की लुक। अब आप सोच रहे होगे ना, पूरी वीडियो एक मैं खुद को देख के हिल गई, यार पूरी वीडियो में एक हलवे के ऊपर वॉइस ओवर कर रही हूँ, टैलेंटेड कितनी हूँ, या फिर डम्बो भी कह सकते हो कि कुछ और शॉट ही नहीं लिया है पूरे घर के अंदर। थोड़ा यार स्टार्टिंग में तो लगता ही है ना ऑकवर्ड सा। एंड आलू इसलिए रखे हैं यहाँ पे क्योंकि आलू के पराठे भी बनने वाले थे, बनने वाले थे का मतलब है वहाँ बन इसलिए नहीं पाए थे क्योंकि वहाँ पे वो किन्नर वगैरह भी आ गए थे सेम डे पैसे लेने के लिए। बहुत सारी चीज़ें एक ही दिन में हो गई, उनको तो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया, पता चले मेरे मुंह पे कहेंगे फोन रख चल। और हलवा बनने के बाद हमने गणेश जी को सबसे पहले टेस्ट कराया। हलवे की फाइनल लुक तो देखो कितना प्यारा है, प्लीज़ बताना अच्छा लग रहा है ना। हलवा सबको दिया, सबने मुझे शगुन दिया, बहुत अच्छा लगा, सब लोगों ने तारीफ़ करी। और मेरे भाई बहनों ने भी खाया था, उन्होंने भी तारीफ़ करी। पहले तो चिढ़ा रहे थे, बोल रहे आपके हलवे में ना नमक तेज़ हो गया है, आपके हलवे में ना मिर्च तेज़ हो गई है। मैंने कहा अच्छा बेटे कोई बात नहीं। तो बस इसके बाद मैं रेडी हो गई थी, मैंने सोचा घर जा रही हूँ, रुकने भी जा रही हूँ, ज़रा साड़ी वाड़ी पहन ली जाए। तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद साड़ी पहन ली थी। रिया मुझे आ रही है लेने, रिया, यूवी, हर्षित और कोमल, लेट्स सी क्या होता है। एंड मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मिलने के लिए और घर जाने के लिए। हेलो गाइस, जीते रहो, ब्लॉग छोड़ दे। सारी यार मोटे के बाद चल ले, सवाल लेने जाना है, स्कूटी से छोड़ दे यू यार। तो अभी भी करवाऊंगी काम, तो काफी है अभी तो, मैं रेस्ट मोड में हूँ। हाँ। 4 दिन से तुम लोग भी सोए जा रहे हो कि नहीं? देख लो गाइस, मेहमान नवाजी, रिपोर्ट मार दूंगा गाइस, कल के ब्लॉग में ब्लॉग हो रहा है, मेहमान नवाजी आज ब्लॉग में तो भी आ जाएगी। वो दीदी तो पहले भी आ गई, मैं तो पहले ही गा गई। कौन सा व्लॉग में? जिसमें ये सब घर में नहीं आए। बुआ भी देख लेंगे व्लॉग में कैसा है। बुआ जी थैंक यू, कनेक्ट भी कर लिया हमने। स्नैप तो कहा तो ये भी तो खतरनाक है ना, सब लोग वीडियो बनाते चुप क्यों हो गए, छोड़ दिए थे मैंने इसके 3-4 दिन बाद जब जंगल में फैला। तो मैं पहुंच गई हूं। सो गाइस, आज पता लग रहा है मेहमान कैसा, मेहमान वाली फीलिंग आ रही है। देखो व्लॉग बनाओ हर चीज में। ओए निकल चल, जा चल निकल, ऊपर जा, ऊपर 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 जा, घुमा ऊपर ऊपर छत पे। अपने घर में मेहमान बनी हुई है, कुछ डिलीट मारा है तो ही डाटा आ गया,
मतलब स्पेस आ गया। फिर पापा दिखाने लगे कि बेटा ये वॉच बुआ ने दी है, ये तुम अपने साथ ले जाना। मैंने कहा पापा इतनी हैप्पी है, मैं स्कूटी पे कैसे लेके जाऊंगी, तो ये बाद में आ जाएगी। एंड बहुत ही प्रिटी वॉच है ये, घर के लिए दी थी उन्होंने। एक ये वॉच और एक जो हैंड वॉच होती है ये वाली टच स्क्रीन वाली, दोनों बहुत प्यारी है। एंड ये सेम डे का व्लॉग, हम सेम डे घर चले गए थे क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे फिर आना था और रुक के जाना था, तो फिर मैं नेक्स्ट डे जब आऊँगी तो 4 दिन रुक के जाऊँगी घर पे। ये एक फेरा टाइप का था जिस दिन मैं आऊँगी और दैट इज इट, बाय बोल। तो बस इसके बाद हम निकल लिए कार में, जा रहे हैं स्कूटी में। आई तो मैं कार से थी हम लोग, लेकिन गई थी गई थी वापस। तो ये आ गए छोटे छोटे बच्चे अपनी बड़ी बहन को लेने के लिए। एक साल मुझे मेरे को मैंने ना पहले ही बोला था, मैंने कहा मेरा भाई आएगा पक्का बोलेगा ये आंटी बन गई अब। मेरे को बुरा ही, मेरे को इनकी किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सपेक्ट अब तक इनके फेस पे स्माइल ली थी और खाना मिलते ही सबके चेहरे खिल चुके हैं। छोटी मौसी वही बच्चे हैं, पहले इन्होंने वहाँ पे सब्जी खाई अब ये यहाँ पे खा रहे हैं। अच्छा गाइस बाय बाय अभी के लिए, सॉरी बट नेक्स्ट टाइम से एक लॉन्ग वीडियोस पक्का मिलेंगी।